हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल केटी गुड फूड। आज हम बनाएंगे झटपट बन जाने वाला ब्रेकफास्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने मैदा लिया है 1 कप, और ये कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें हरा मिर्च, प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता को मैंने काट कर रखा हुआ है, और ये नमक, चीज़, चाट मसाला, कॉर्नफ्लावर, टमाटो केचप है, और ये थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने। अब हम एक बाउल में मैदा ऐड करेंगे। और इसमें ऑलमोस्ट 3 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम। कटे हुए प्याज ऐड करेंगे हम इसमें। हरा मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, धनिया पत्ता, थोड़ा सा चाट मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। हमें ज़्यादा पतला घोल तैयार नहीं करना है, याद रहे हमें थिकी घोल तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर ले आप। देखिए रेडी हो चुका है हमारा घोल। अब हम एक नॉनस्टिक तवा लेंगे और उसमें ऑयल ब्रश को ऑयल में अच्छी तरह डीप करके हम तवे में अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह अप्लाई करेंगे हम चारों तरफ तेल को। तवा गर्म होने के बाद हम इसमें मिक्सचर डालेंगे जो मैंने तैयार करके रखा था। आप इसे चम्मच की हेल्प से चारों तरफ ऐसे फैला लें। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें, हाई फ्लेम में इसे ना बनाएं वरना ये जल जाएगा। एक मिनट पकने के बाद हम इसमें टमाटो सॉस ऐड करेंगे। देखिए साइड साइड से ये पक चुका है। अब हम इसमें चीज ऐड करेंगे ऐसे चारों तरफ फैलाकर। चीज डालकर हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसे हम दूसरे साइड भी पका लेंगे। दूसरे साइड भी पका लेंगे हम ऐसे ही अच्छी तरह। ये रेडी हो चुका है हमारा झटपट बन जाने वाला नाश्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।